मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में 46वीं अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 नवंबर से 19 नवंबर तक किया जा रहा है। अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता सोसाइटी के ऑर्गेनाइजिंग सचिव राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश के अन्य राज्यों सहित 7 टीमें भाग ले रही है। अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता सोसाइटी के ऑर्गेनाइजिंग सचिव राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पटल मैदान में मरम्मत कार्य व ग्राउंड कंडीशन ठीक न होने के चलते जून में प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन उपायुक्त मंडी के प्रयासों व सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन इस बार 15 नवंबर से 19 नवंबर तक किया जा रहा है और प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष जून के महीने में आयोजित की जाती रही है, लेकिन इस वर्ष ग्राउंड की स्थिति ठीक ना होने की वजह से यह प्रतियोगिता हम जून में आयोजित नहीं कर पाए और जब नए उपायुक्त मंडी में आए उनसे हमने मुलाकात की तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप यह प्रतियोगिता 15 नवंबर से लेकर और 19 नवंबर तक आयोजित कर सकते हैं। तो इस थोड़े से समय में और इलेक्शन के बीच में होने से प्रशासन वहाँ बिजी रहा, हम भी कोई खास काम नहीं कर सके, तो फिर भी हमने ये स्वीकार किया, जाना कि 2017 का साल जो है वो खाली नहीं जाना चाहिए, तो हमने अपने सीमित साधनों से इस प्रतियोगिता को इन दिनों में करवाने का फैसला किया। वहीं अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता सोसाइटी के सह सचिव सुनील कुमार ने कहा कि पटल मैदान की मरम्मत का कार्य काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पटल मैदान को अभी तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जिसके चलते ग्राउंड की घास भी ठीक से हरी भरी नहीं हो पाई है। उन्होंने IPH विभाग से आग्रह करते हुए कहा कि ग्राउंड की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए समय पर ग्राउंड के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि पटल में खेलकूद गतिविधियों को संचालित किया जा सके। यहाँ पे पानी का कोई प्रावधान नहीं है। हम अभी कुछ 5 दिन पहले चीफ इंजीनियर IPS से मिले थे, उन्होंने अपने JE को डायरेक्ट किया था कि इस टूर्नामेंट के दौरान जो है छोटा सा कोई इनको प्रावधान जो है पानी का किया जाए, लेकिन ये जो पैसा जो PWD को 15 लाख रुपए दिया हुआ है इसकी टेंडर प्रक्रिया 2 साल से चल रही है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 साल से जो है ग्राउंड में पानी का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया हुआ है, जिससे कि ग्राउंड में जो ये PWD ने ग्रास लगाई है बिल्कुल सूख चुकी है और ग्राउंड की जितनी भी ये घास है ये सारी जल चुकी है। लेकिन अब हम पुनः निवेदन करते हैं IPS डिपार्टमेंट से कि वो इस ग्राउंड को जल्दी से जल्दी पानी पहुँचाएँ, पानी का प्रावधान करें, जिससे कि जो है ग्राउंड दोबारा से आने वाले खिलाड़ियों के लिए और जो यहाँ पे स्पोर्ट्स 2 साल से बंद हुई है वो दोबारा से पुनः शुरू की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, KCHNL।